गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बना रहे हैं आलू की पूरी, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक में, इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू की पूरी। तो मैंने यहाँ पे 2 मैश्ड पोटैटो लिया है, यहाँ पे मैंने जिसको अच्छी तरीके से बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। तो इसमें मैं इस कप के साइज से, आप देख सकते हैं साइज, इसे मैं 1½ से भी कम ऐड कर रही हूँ। देन आई ऐड पुदीना, जो कि मुझे बहुत पसंद है, फ्रेश कोरिएंडर। देन आई ऐड ऑयल 1-2 टेबल स्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, जीरा भुका हुआ 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। देन ऐड सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हम इसमें जैसे इसको मिक्स करेंगे, फर्स्टली पहले अच्छी तरीके से आपको पूरे मसाले को मिक्स कर लेना है, देन आपको वाटर इसमें ऐड करना है, वो भी आप गुनगुना पानी ऐड करेंगे। याद रखें, गुनगुना पानी ऐड करने से क्या होगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे। आप याद रखें, पानी आपको ज़्यादा ऐड करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि आलू से ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए ये डो आपका। देखिए पानी मैंने ज़्यादा एकदम ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने आलू ज़्यादा लिया था और मैदा कम लिया था, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अगर आप मैदा ज़्यादा लेते हैं, आलू अगर डो ही लेते हैं और मैदा ज़्यादा लेते हैं, तो आपको पानी थोड़ा ऐड करना पड़ेगा ज़्यादा। सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाकर, अच्छी तरीके से ऑयल लगाकर इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, फिर हम इसकी पूरी बनाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब हम इसे थोड़ा सा अपने हाथों से मिला लेंगे, फिर इसका छोटी छोटी सी गोली बनाएंगे। जिस साइज़ का आपको बेलना है, जिस साइज़ की आपको पूरी बनानी है, उसी के हिसाब से आपको गोली बनानी है, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने एक छोटे से साइज़ का बना लिया है गोली, और मैंने इस पर ऑयल स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि हम इसे ऑयल से ही बनाएंगे, हम खुशकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑयल से बनाएंगे। तो इसे आपको इस तरह से धीरे धीरे बेलना है। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अब इसमें हम अपनी पूरी डालेंगे। तो देखिए ये कितनी फूली फूली सी पूरी बन रही है हमारी। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है, अब इसे हम निकालेंगे। गाइस इसी तरीके से आप बनाइए अपने घर पे अच्छे से फुली फुली सी आलू की पूरी। तो गाइस मेरी पूरी बनके तैयार है, देखिए कितनी टेस्टी और डिलीशियस बनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इसको बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपका कैसा बना है।